इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ महबूब नगर फर्स्ट क्रॉस में जमीयत मोहल्ला एजुकेशन सोसाइटी और इन एसोसिएशन विद आशा वेलफेयर एसोसिएशन और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अब्दुल तवाब भाई जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है आम आदमी पार्टी के, फिर एक सोशल वर्कर हमारे एनिमल रेस्क्यूअर कलमुद्दीन शाह, ये सब मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ पे जो कोविड के तीन स्टेज है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, तो हमारा मानना यह है कि अगर माइल्ड स्टेज में ही अगर इसकी पहचान हो गई और इसका सही से इलाज हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोरोना एक बहुत मामूली सी बीमारी है जैसे सर्दी बुखार खांसी वगैरह, लेकिन अगर माइल्ड में अगर इसका हम सही से इलाज नहीं हो रहा है तो फिर ये मॉडरेट सीवियर हो के आज हम देख रहे हैं इसका कितना नुकसान हमको उठाना पड़ रहा है। तो इस वजह से हम सारे मोहल्ले के लोग और एसोसिएशन एनजीओ की ये कोशिश की है फ्री टेस्टिंग की। लोग जो घबरा कर, जो डर कर, जो हॉस्पिटल या डॉक्टर्स को अप्रोच नहीं हो रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने लोकल एरिया में अगर इसका इंतज़ाम हो गया तो उम्मीद है कि लोग आके अपना टेस्ट करेंगे। इस वजह से हमने ये फ्री कोविड टेस्टिंग कैंप और अवेयरनेस का रखा। अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत आ रहे हैं और काफ़ी सारे टेस्ट भी हुए हैं, तो इसके फ़ायदे भी हैं। यहाँ पे पॉजिटिव अगर आया तो उसको हम दवा भी दे रहे हैं पॉजिटिव के लिए, और नेगेटिव अगर आया तो उसके लिए हम डिजिटल सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं उनको। तो उसका एक फ़ायदा ये होगा कि पहले तो ज़हनी तौर पे इंसान मुतमईन होगा कि मैं नेगेटिव हूँ। दूसरा इसका फ़ायदा एक ये होगा, अगर वैक्सीन के लिए आप अगर कुछ प्लान कर रहे हैं तो उसका नेगेटिव होना ज़रूरी है, क्योंकि एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है अगर पॉजिटिव आदमी वैक्सीन लिया तो रिएक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसके लिए उम्मीद है इंशाल्लाह ये हमारा काम, लोग आएंगे इसको, इसका फ़ायदा उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमीयत मोहल्ला एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी और आशा वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ जो आज का एक कैंप जो हम लोगों ने जो किया है कोविड टेस्ट और आरटीपीसीआर का जो फ्री टेस्ट था, यहाँ पे 40 लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया आके। जी काउंटिंग अभी चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग आए बहुत खुशी हुई उनको कि एक मोहल्ले में एक अवेयरनेस लोगों में आ जाए, ऐसे कैंप किया और लोगों में ये भी एक ये था कि टेस्ट कराएंगे तो डर था पॉजिटिव आ गए तो क्या होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई पॉजिटिव नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह सभी नेगेटिव आए, लेकिन उसका भी अगर जल्दी से जल्दी अगर पॉजिटिव अगर आते हैं तो उसका इलाज होता है, तो जल्दी से जल्दी इलाज हो जाता है तो लोग उससे रिकवर हो जाते हैं। हाँ, अगर रोग
जल्दी से जल्दी टेस्ट नहीं करते हैं तो वो जो जो मॉडरेट रहता है सीवियर हो जाता है, उसे हॉस्पिटलाइजेशन, फिर उसका रिस्क फैटलिटी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा प्रोग्राम हुआ आज। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे सलीम भाई का, जो जमीयत मोहल्ला के प्रेसिडेंट हैं, जो उन्होंने मौका दिया और हमें उनके साथ मिलकर काम करने का मौका दिया, और हमारे जो दिगर जो वॉलेंटियर्स जो इसमें जुड़े थे, हमारे आप से हमारे भाई भी आए हुए हैं, हमारे आलिम एसोसिएशन से भाई भी आए हुए हैं, तो इनका मैं शुक्र अदा करता हूँ कि इन्होंने भी जुड़े इनके साथ, तो हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सबका। और एक चीज़ है कि हम इसके बाद एक वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है उसके बारे में भी सोच रहे हैं, जमीयत मोहल्ला के हमारे सलीम भाई उसके बारे में प्रेसिडेंट हैं, और हमारे कांग्रेस के जो सेवा दल के जो अनुपर्णा मैडम है, उन्होंने एक भरोसा दिया है हमें कि 150 से 200 के करीब वैक्सीनेशन का ड्राइव करेंगे बोल के। तो हम भी लोगों से चाहते हैं कि अपील करते हैं कि वैक्सीनेशन के लिए आगे आएँ, अपने आप को पेश करें, क्योंकि एक ह्यूमैनिटेरियन सर्विस है। आप अपने आप को वैक्सीनेशन करेंगे तो आप अपने आप को भी सेफ रखेंगे, अपने घर वालों को और अपने मोहल्ले को भी सेफ रखेंगे। एक मेरा एक ये है, तो आप अपने आप को आगे आएँ, वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और जो अबव 45 ईयर्स हैं उनको तो फ्री में मिल रहा है, और 18 प्लस हैं उनको थोड़ा अभी तक तो थोड़ा गवर्नमेंट ये कर रही है तो दिक्कत हो रही है, लेकिन केएलई में भी अभी तो पेड वैक्सीनेशन भी शुरू हुआ है, तो उसका फ़ायदा उठाएँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और अपने आप को वैक्सीनेशन करें और सबका साथ दें इसके साथ में।